उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर सारी सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने जा रही है। जी हाँ, यह जानकारी चंद्रशेखर आजाद ने दी है जो प्रयागराज में हैं। प्रयागराज पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के साथ ही 9 अन्य सीटों पर भी उनकी पार्टी उतरेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूपी की विधानसभा में आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए हम इस उपचुनाव में उतर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उनकी सीधी टक्कर इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से होगी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इस पर कुछ न कहते हुए कहा कि आज वंचित तबके को न्याय नहीं मिल रहा है, वंचित तबके को न्याय दिलाने के लिए ही वो मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि वंचित तबके को रोटी, कपड़ा, रोजगार जैसी बुनियादी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। नौजवान बेरोजगार हैं, किसान, मजदूर और कर्मचारी परेशान हैं। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बेहद ज़रूरी है। विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन करने के सवाल पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमें किसी के साथ कोई भी गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा गठबंधन जनता के साथ है। हमारा काम जनता ने देखा है, इसलिए हमें यकीन है कि जनता अब किसी और के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है, चंद्रशेखर आज़ाद का इशारा मायावती के बहुजन समाज पार्टी की ओर था। ये पार्टी उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां कर रही है। इसी क्रम में सदन से 2 दिन की छुट्टी थी, तो हमने तय किया कि हम छुट्टी तब तक नहीं मनाएंगे जब तक उत्तर प्रदेश में हक वंचित समाज के लोग सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं करते। आज भी उनकी, मैंने कल ही पार्लियामेंट में सवाल उठाने का प्रयास किया, मुझे मौका नहीं दिया गया। आज भी उनकी हत्या की जा रही है, रोटी, कपड़ा, मकान की बुनियादी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची है, नौजवानों पर रोज़गार नहीं है। तमाम तरह से, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं, सब परेशान हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी उपचुनाव में मजबूती से जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने, हमारी लीडरशिप ने यहाँ हमारी सभाएं रखी। अगले 2 दिन में यही हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली सदन में जाके सदन के जरिए अपने लोगों की आवाज़ उठाऊँ। मैंने आपको ये बताया कि ये आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की जो हमारे संगठन है, उनकी ये इच्छा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका MLA जीते और वो सदन में जाके क्षेत्रों की आवाज़ उठाए और आज़ाद समाज पार्टी की मजबूत आवाज़ बने लोकसभा में। आप अकेले। UP News 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।